लालकुआ के बीजेपी विधायक ने एक बार फिर क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात दी है, जिसकी स्थानीय लोग उनकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में लगभग 30 लाख से अधिक की लागत से टीन शेड का निर्माण कराकर जनता को विकास कार्य की सौगात दी। यहाँ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में भी क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने लालकुआ में विकास की गति को रुकने नहीं दिया है। इसके लिए मैं और विधानसभा की जनता विधायक नवीन दुमका का आभार व्यक्त करती है। माननीय विधायक जी का तो हम धन्यवाद करते हैं, और अभी उन्होंने संदेश भी दिया कार्यकर्ताओं को, कहा है कि हम लोगों की पार्टी बाबा साहब के निर्देशों पर, उनके बताए मार्ग पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारा दायित्व बनता है, परम दायित्व बनता है कि हम लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपना हक मिले इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जा कर के काम करना चाहिए। आज ही माननीय विधायक जी का ऐसा संदेश कार्यकर्ताओं को है, और मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि विधायक जी ने 30 लाख रुपये लगा करके इस पार्क का, लोगों के लिए रामलीला भी यहाँ होती है, अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, ये शेड का निर्माण करवाया है, जो बहुत बड़ी बात है, विधायक निधि से ये करवाया गया है। दूसरा, चूँकि खाली बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। इस अम्बेडकर पार्क का निर्माण, इस अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण भी मेरे कार्यकाल में और अरुणा चौहान के कार्यकाल में हुआ, जब चेयरमैन हम रहे थे, तो बाबा साहब के वास्तविक जो आदर्शों को मानने वाले हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि उनके सपनों का भारत बने, यही हम सबका उद्देश्य है।